हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, मेरी तबीयत खराब थी, सो मैं आज शुरू कर रहा हूँ दोबारा से वीडियो डालना। अब हम कॉन्टिन्यूस वीडियो डालेंगे जब तक मेरी तबीयत खराब नहीं होती। मुझे पता नहीं मेरी तबीयत कब खराब होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज ज़्यादा टाइम ना खराब करके वोकैबलरी, जो आपका सी ए फाउंडेशन में है और आपको हर बच्चे के लाइफ में ये आता ही आता है। तो हम वोकैबलरी को शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं वोकैबलरी की बताऊँगा कि ये किस तरीके से करेंगे और कैसे लर्न करेंगे वोकैबुलरी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक वोकैबुलरी है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, और ये एक ऐसा नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ एक पर्सन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि वोकैबुलरी जिंदगी भर इंसान सीखता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो हमें किस तरीके से वोकैबुलरी को सीखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स ना बता के ये बताऊंगा कि वोकैबुलरी होता क्या है और किस तरीके से हम वोकैबुलरी को सीख सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है इसको सीखने के। ये जो इसमें ये प्रोसेस है, छोटा बच्चे से लेकर क्लास वन से लेकर टिल डेथ तब तक आप अपनी लाइफ की वोकैबुलरी सारी सीख सकते हैं। ये टिल डेथ तक के लिए, ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलरली बोलूं कि इतने टाइम तक सीखना है, इतने टाइम तक नहीं सीखना, ऐसा नहीं होता। आपको टिल डेथ तक ही सीखना पड़ेगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हर लेवल की अलग अलग होती है। स्कूल की वोकैबुलरी अलग, जॉब की वोकैबुलरी अलग, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग की वोकैबुलरी होती है, टेक्निकल जार्गन की वोकैबुलरी होती है, टेक्निकल वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है। कोई बंदा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काम कर रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज की वोकैबुलरी होती है। टीचिंग फील्ड में इकोनॉमिक्स का टीचर है तो इकोनॉमिक्स में वोकैबुलरी होगी। अगर इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश में वोकैबुलरी होगी। मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स में वोकैबुलरी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जिस फील्ड में होंगे ना, उस फील्ड की अलग अलग वोकैबुलरी होती है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए हर स्टूडेंट्स को। हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। देखिए, अब वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है। द टर्म वोकैबुलरी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ वर्ड्स। एक ऐसा बॉडी ऑफ वर्ड्स होता है यूज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? राम एक इंसान है। इज ए क्या है? हमारा एक वर्ब है जो हमारे टेंस में यूज होता है। राम इज अ गुड बॉय। गुड मतलब अच्छा, गुड अच्छा। हम गुड की जो गुड होगा वो एक वोकैबुलरी में यूज कर सकते हैं। गुड की जगह हम कुछ और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। गुड एक अच्छा होता है। हम अच्छे के साथ कुछ और भी वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे राम इज अ नाइस बॉय। राम एक नाइस गाय है, नाइस बॉय, एक अच्छा बॉय है। तो गुड की जगह हमने नाइस यूज कर लिया, मतलब बिल्कुल सेम हो गया। तो ये बात हमने बताई वोकैबुलरी में कि गुड की जगह नाइस यूज कर लिया। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड स्टॉक, लेक्सिकन एंड लेक्सिस। ये दो नाम भी है, लेक्सिकन एंड लेक्सिस भी बोला जाता है। वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स वी अंडरस्टैंड व्हेन वी हियर और रीड देम एंड वर्ड वी स्पीक और राइट। जो हम लोग बोलते हैं और हम लोग जो लिखते हैं। देखो, स्पीक के वोकैबुलरी, राइट की वोकैबुलरी, बेसिकली वोकैबुलरी एक कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है जो हम लोग समझते हैं और हम उसको रीड एंड राइट करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं और बोलते हैं। हाउएवर इट इज मोर देन द वर्ड्स। एक मोर देन द वर्ड से भी ज्यादा होता है ये। ठीक है ना, मोर देन द वर्ड्स इट इज अ मेजर ऑफ ऑल दैट पर्सन हैज लर्न्ड। एक मेजरमेंट होती है पर्सन की कि बचपन से लेकर वो बड़ा होने तक कितनी सीख रहा है। एक्सपीरियंस और फेल्ड वोकैबुलरी नॉलेज, उसकी वोकैबुलरी की नॉलेज कितनी है। ठीक है ना, रिक्वायर नॉट ओनली नॉलेज ऑफ वर्ड मीनिंग बट इट ऑल्सो, खाली मतलब पता होने से कुछ नहीं होता। उसको रिक्वायरमेंट भी क्या चाहिए। इट रिक्वायर द यूजेज ऑफ वर्ड्स, इट रिक्वायर, अब दिख रहा है, हाँ, इट रिक्वायर द यूजेज ऑफ वर्ड्स इन द एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। एक यूज भी करना आना चाहिए उस एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का, एंड इन अ नेचुरल वे, एक नेचुरल वे के तरीके से। वोकैबुलरी इज अ डेवलप विद द एज। वोकैबुलरी जैसे बड़े होते रहते हैं ना, वैसे वैसे बढ़ती रहती है। जैसे ए फॉर, हमें बचपन में एप्पल भी पता होता था, तो ए फॉर एप्पल पता है, तो ए फॉर बड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आंट पता होता था। ए फॉर एंटीलप पता होना शुरू हुआ। ए फॉर हमें एरोप्लेन पता होना शुरू हुआ। ए फॉर एलिगेटर पता शुरू हुआ। मतलब कि हमें ए से हजारों वर्ड्स हमें इस लेवल में पता होना शुरू हुए। ए से एटलस पता हुआ, ए से मतलब अंडमान एंड निकोबार पता हुआ, ऐसे मतलब धीरे 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 क्या हुआ, जैसे हमारी एज बढ़ती रही वैसे वैसे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहती है हमारी एज के साथ। ठीक है ना,
तो एज के साथ इंक्रीज होता है एंड सर्व एज अ फंडामेंटल टूल्स फॉर कम्युनिकेशन. व्हेन वी यूज टू टॉक विद द पीपल एंड व्हेन वी यूज टू लाइक हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द पीपल, टॉक को कॉन्वर्जेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो अलग एक वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं. तो व्हेन वी इट इज अ टूल टू कम्युनिकेशन विद द पीपल एंड एक्वायरिंग नॉलेज. अब हम उसके नॉलेज की कितनी नॉलेज हम ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है. वी बिल्ड आवर वोकैबुलरी बाय पिकिंग अ वर्ड्स, हम लोग अपने वर्ड्स को पिक करते हैं, दैट वी रीड और हियर, जो हम सुनते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमने जिंदगी में गाली कभी नहीं सीखी, हमें ना स्कूल में गाली सिखाई गई, ना हमें कभी बाहर गाली सिखाई गई. हमने सुना कहीं दूर से कि माँ की बहन की गाली दे रहे हैं, हमने मिंट में हमारे माइंड में आई, हमें वो अच्छा लगा और हमने सीख ली और हमने उससे नई नई गाली बनाई. तो वोकैबुलरी जब हमारी गालियों में इंक्रीज हो सकती है तो सेम वे में हम लोग अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी क्यों नहीं यूज कर सकते. तो यही एक तरीका है कि और भी तरीके हैं, पर मेरा मानना यह है कि जब हम गालियां एब्जॉर्ब करते हैं, गंदी चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम इस इंग्लिश में वोकैबुलरी को क्यों अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते. जब हम इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी. तो मेरा यह मानना है व्हेन वी रीड और हियर एंड थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जब हम कुछ सुनते हैं, हमने कुछ सुना, गाली सुनी, अच्छी बात सुनी, हमने उसको सुना और हमने इंस्ट्रक्ट किया, हमने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट दिया और फ्रॉम टीचर अंदर प्रोफेशनल, देखो गाली तो प्रोफेशनल कोई देगा नहीं. द मोर वर्ड्स वी नो दैट मोर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड वी व्हाट वी हियर एंड रीड. जितना हम सुनेंगे, जितना हमारे लिए बढ़िया होगा, वही हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाएगा. जैसे आशीष चंचलानी और अमित भड़ाना बोलते हैं ना, 25 के फूल 30 की माला, जो ना खरीदेगा मेरा साला. तो हमने एक बार सुना, हमें लर्न हो गया. तो वही आशीष चंचलानी की एक बात बोली, हमें लर्न होगी. भुवन माम ने एक बात बोली, हमें लर्न होगी. तो मतलब अभी हम लोग जैसा देखते हैं, हमें जामे जो अच्छा लगेगा हमारे माइंड में, वही चीजें फिट होती रहती है. हम अपनी वोकैबुलरी को उस तरीके से इंक्रीज करते हैं. तो वही है, जितना हम सुनेंगे उतना हम समझेंगे. बट जब सुनना है और जब समझना है और जब हमें बोलना है, बस एक चीज का ध्यान रखना, इंटरेस्ट. जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा वोकैबुलरी में, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो इट्स बेटर टू थिंक दैट इंटरेस्ट बहुत जरूरी है. ठीक है, आगे हम चलते हैं. आगे हमारा कि why is a rich vocabulary important? अच्छा, एक होती है vocabulary, एक होती है rich vocabulary. अच्छा, what is rich vocabulary? अब जैसे मैंने बोला राम इज अ marvelous guy, मैंने बोला राम इज अ गुड guy, मैंने गुड की जगह marvelous बोल दिया, marvelous की जगह fantabulous बोल दिया, fantabulous की जगह मैंने excellent बोल दिया. तो मैंने क्या करा, एक vocabulary को बहुत ज्यादा हाई लेवल में लेके गया. जैसे राम इज हंग्री नाउ, राम भूखा है इस टाइम, ठीक है ना, अभी भूखा है. राम को क्या हो रहा है, स्टारवेशन. हंगरी की जगह हम स्टारवेशन भी यूज कर सकते हैं. स्टारवेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जब बहुत ज्यादा भूख लेना. तो राम इज स्टारवेशन नाउ, तो मतलब क्या हुआ, वो हद से ज्यादा भूखा है. वो हद से ज्यादा भूखा होने को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन. ठीक है ना. तो why is a rich vocabulary important, क्यों है vocabulary, एक जान होती है, दिल. देखा है दिल, ये दिल देखो पिंक रंग का है, मेरा पिंक दिल है, लाल नहीं है, ठीक है ना. तो राम जो है उसका पिंक दिल है इस vocabulary लैंग्वेज में, कि हम राम श्याम को ही लेते हैं हमेशा. तो vocabulary दिल है एक लैंग्वेज की, ठीक है ना. vocabulary is a heart of a language. A good vocabulary help us to understand, हमें हमेशा मदद करता है what other people are saying and what we are reading. सही बात है, सामने वाला कुछ बोल गया कि कुछ भी एक वर्ड बोल गया, जैसे राम यू आर मार्वलस, अब मैं गाली कैसे दे रहा तू मुझे. अरे भाई मार्वलस का मतलब क्या होता है, वो उसने समझा कि भाई मार रहा है मुझे. मार्वलस इज अ गुड वर्ड, उसने जब उसको वोकैबुलरी के बारे में नॉलेज नहीं, उसने उसको चढ़ के मारना शुरू कर दिया. तो यही हमारी वोकैबुलरी जब हमारी रिच होगी तो हम लोगों को समझ पाएंगे व्हाट वी आर रीडिंग. टू कॉम्प्रीहेंड अ टेक्स्ट सक्सेसफुली वी नीड टू हैव अ सफिशिएंट वर्ड नॉलेज, हमें एक नॉलेज होनी चाहिए वर्ड्स की. अ राइटर मैसेज कैन ओनली बी अंडरस्टूड इफ द मीनिंग ऑफ द मोस्ट वर्ड यूज्ड इन अ टेक्स्ट इज शोन बाय द रीडर. सही बात है, एक राइटर का मैसेज हम तभी समझ पाएंगे जब हमें सारे मतलब उसके पता होंगे और जब हमें मोस्ट वर्ड्स के बारे में टेक्स्ट में रीडर ने बताया होगा. सो हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी नॉलेज इज एसेंशियल टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हमें लार्ज नंबर ऑफ नॉलेज देनी चाहिए वोकैबुलरी की, जिससे हम नॉलेज को एक्सपैंड कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाए. ठीक है, ये आपको समझ आया होगा. थोड़ा सा मैं बुक में से बता रहा हूं आपको, मैं ये देखिए. अच्छा, इसमें जो थोड़ा बताया गया है कि हम कैसे अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, ये थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं, देखिए. देखिए, इट गिव अस एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियर व्हाट वी मीन, ये हमें बताता है, एबिलिटी देता है कि
हमें क्या क्लियरली समझ आ रहा है जो बता रहे हैं. वोकैबुलरी हेल्प अस विद लैंग्वेज प्रोडक्शन. द मोर वर्ड्स वी नो द मोर वी प्रिसाइसली वी कैन एक्सप्रेस द एग्जैक्ट मीनिंग वी वॉन्ट टू. हमें जितने वर्ड्स पता होंगे हम उतनी तरीके से लोगों को समझा पाएंगे अपनी बात को. ठीक है. देयरफॉर वी हैड टू ओवरकम द लैक ऑफ वोकैबुलरी नॉलेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. जब एक इंसान की कम्युनिकेशन की नॉलेज बहुत कम होती है ना, सॉरी वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत कम होती है ना, तो वो तब वो हेजिटेट करता है इंग्लिश में बात करने से. लोग कोई भी कुछ भी बोले, अंग्रेजी बोलना सीखे, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू कर ले, जब तक एक इंसान की वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी ना, तब तक वो हेजिटेट करता रहेगा इंग्लिश में बात करने से. पूरे हिंदुस्तान ले लो, पूरी दुनिया ले लो, पूरी दुनिया में जब बंदा कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता ना, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उसके माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं. जब उसके माइंड में वर्ड्स नहीं आते, उसको वो सौ बहाने बोलते हैं कि मुझे टेंस नहीं आते, मुझे ये नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता. पर असली रीजन एक ही, असली रीजन उसका एक ही है, वो क्या है, सिर्फ ओनली वोकैबुलरी. ठीक है. वोकैबुलरी नॉलेज बूस्ट आवर एबिलिटी टू ग्रैप आइडिया एंड थिंक मोर लॉजिकली. इसी बात है, वोकैबुलरी हमारी नॉलेज को बूस्ट करता है और हमारे आइडियाज को ग्रैप बल्कि पकड़ने में ज्यादा मजबूत करता है और हमें लॉजिकली सोचने के लिए अच्छा मजबूर करते हैं कि हम लॉजिकली सोच पाए. ठीक है ना. हैविंग अ रिच वोकैबुलरी हेल्प अस टू कम्युनिकेट इन अ मोर एंगेजिंग वे. सही बात है, अगर हमारी वोकैबुलरी बहुत एक्सेलेंट होगी, हमें बात करने में मजा आएगा. जैसे मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हेलो गाइस हाउ आर यू टुडे, आई एम जस्ट गिविंग अ जस्ट शेयरिंग माय व्यूज एंड शेयरिंग माय आइडियाज विद यू टुवर्ड्स वोकैबुलरी. सो आई नो दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड. मैंने एक जगह मस्ट बोला, एक जगह शुड बोला, एक जगह हैव बोला. क्यों? मस्ट में क्या होगा कि तुम 100% समझोगे, शुड में मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी, हैव में मैं चाहता हूं तुम समझो. तो मैंने तीन बातें अलग अलग बोली ना. तो इस तरीके से ही हम लोग जितना हमें हमारी रिच वोकैबुलरी होगी, हमें कम्युनिकेट करने में बहुत मजा आएगा. तो इट हेल्प अस टू मेक अस अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स. हमारा इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है दूसरों पे जब हमारे पास वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत ज्यादा हो. ठीक है ना. अब जैसे मान लो राम इज अ बैड गाय, राम इज अ बैड बॉय. ठीक है ना. तो मैं ये भी बोल सकता हूं राम इज अ विकेट बॉय. विकेट मतलब बुरा. तो मतलब इसमें सेंटेंस में क्या चीज मैंने समझाया कि एक बैट को हमने विकेट से कंपेयर करके बोल दिया. तो मतलब अगर मैंने कि विकेट बॉय बोला, वो क्या है, सभी मुझे विकेट बुला रहे हो. इट्स नॉट विकेट, इट्स अ विकेट बॉय, विकेट बॉय. ठीक है ना. तो हाउ आर्टिकुलेट वी आर कॉन्स्टिट्यूट अ बिग पार्ट ऑफ इंप्रेशन एंड वी मेक ऑन अदर्स. ठीक है ना. विच वर्ड्स टू लर्न, हमें कौन कौन से वर्ड्स लर्न करने चाहिए. तो मैं इस पूरी बात में मैं अपने हिसाब से बताऊंगा हमें वो वर्ड्स लर्न इसमें इस वे विच वर्ड्स टू लर्न. जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हम लोग हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे सारे वर्ड्स को. हमें लर्न कैसे करना चाहिए मैं ये आपको समझाऊंगा हमें कौन से वर्ड्स लर्न करने चाहिए. देखो जब आप कोई भी चीज रीड एंड राइट करते हैं आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपको जितने पहले आप फर्स्ट रीडिंग करिए जितना आपको समझ आ रहा है उतना आप रखिए. मान लीजिए मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, एज वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस थाउजेंड ऑफ वर्ड्स. हम लोग किससे थाउजेंड ऑफ वर्ड्स आए हैं. हाउएवर नॉट ऑल वर्ड्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स. देन हाउ डू वी डिसाइड द वर्ड विच वी टू लर्न सिंस वोकैबुलरी नॉलेज इज नॉट समथिंग दैट कैन बी फुल्ली मास्टर्ड. वोकैबुलरी ऐसी चीज कोई मास्टर्ड नहीं हो सकता. वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग वर्ड्स दैट आर ऑफ मोस्ट more used to than others. Here are some suggestion. Words that are important to the subject that we are studying, जो हम पढ़ रहे हैं उसके related हमें पता होना चाहिए. Economics है तो economics, maths है तो maths, science है तो science, SST है तो SST, English है तो English, IT है तो IIT, मतलब कोई भी field का हो तो कोई अलग अलग field का. Words that we read or hear repeatedly, जो हम बार बार सुनते हैं वो हमें learn होता है. जैसे बहुत hard, बहुत hard, जैसे हमें learn हो गया हमारे mind में. बहुत hard का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा hard. It means कि हम जो भी वो गाना है बहुत अच्छा. अब जैसे मैं एक वर्ड आपने सुना होगा एनी वे बंटा कि मुझे मचाएंगे, तो मचाएंगे कुछ एक वर्ड नहीं है बट हमें पता है कि डांस करना, हंसना खुशना, हमने कभी सुना नहीं था मचाएंगे. तो हमने इसको कि हम हमारी लैंग्वेज में मचाएंगे क्या होता है भाई, धूम मचाएंगे भाई, धूम. तो धूम मचाएंगे और मचाएंगे में क्या, वो मचाने का मतलब क्या होता है, उसके हिसाब से मचाने का सौ मतलब है. हमारे हिसाब से मचाने का मतलब एंजॉय करना, उसके हिसाब से कि एंजॉय करना प्लस डांस करना, गाना गाना और टफरिया मारना, सड़क पे घूमना, उसका मचाएंगे का मतलब ये होता है. ठीक है ना. तो सबका मतलब अलग अलग होता है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी वी नीड टू लर्न. हमें तीन वोकैबुलरी लर्न करनी है, बेसिक वोकैबुलरी, हाई फ्रीक्वेंसी मल्टीपल मीनिंग वोकैबुलरी एंड सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी. देखो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक में लिखा हुआ है बेसिक वोकैबुलरी होनी चाहिए. एक होती है मल्टीपल मीनिंग वोकैबुलरी, मतलब एक वर्ड के चार चार मतलब, और एक और होती है वोकैबुलरी जो तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे हो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए. ठीक है ना.
ये बात का ध्यान रखना आप कि ये बेसिक तो आपके बचपन में हो जाएगा, और फिर मल्टीपल मीनिंग आप हमने 12th से ग्रेजुएशन के बीच में सीख सकते हो, ठीक है ना। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जब आप जॉब कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप कर रहे हो, तब आप इस वोकैबुलरी का मतलब आप सीख सकते हो। अब हमें टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी कितने टाइप की होती है, एक होते हैं लिसनिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी, रीडिंग वोकैबुलरी, राइटिंग वोकैबुलरी। तो इसके लिए मैंने एक वो बना रखा है, पहले आप इसको समझिए। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, द थ्री मेथड जो वोकैबुलरी के होते हैं वो रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। आप सबसे पहले रीड करेंगे, कोई भी चीज को रीड करेंगे, रीड करके रिकॉर्ड करिए अपने माइंड में। डेली का एम बनाइए, 20 मिनट रोज आप लोग वोकैबुलरी को देंगे। हमने 10-10 वर्ड, 5-5 वर्ड हम डायरी में लिखना शुरू करेंगे, रिकॉर्ड मतलब डायरी में लिखना। फिर रिव्यू करेंगे, रिव्यू मतलब देखेंगे कि ये कितना डिफिकल्ट है, हम उसको कितना यूज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो देखना है। तो हम कौन कौन से वर्ड को चूज करें, पिक समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, तुम्हें वो चीज चूज करें जिसमें तुम इंटरेस्ट हो, यानी कि कॉपी। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों में दिक्कत होती है, पहले दिन ही बुक उठाएंगे, मैं पहले दिन ही 1000 वोकैबुलरी लिख लेता हूं, फिर उनका मन भर जाता है। हमें रोज का करना है, रोज का काम है, एक दिन का नहीं है, हैबिट बना लो अपनी, ठीक है ना। पहले जैसे स्पोर्ट्स देख लो जिसको पसंद है, मूवीज जिसको पसंद है, म्यूजिक जिसको पसंद है, कार्स की नॉलेज जिसको पसंद है, फिटनेस, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। फाइंड इंटरेस्टिंग मटीरियल टू रीड, इंटरेस्टिंग मटीरियल मैगजीन हो गया, नोवल हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गया, नेटफ्लिक्स सबटाइटल सब हो गया। बार बार डिक्शनरी में मत देखना, बार बार डिक्शनरी में देखोगे ना तो आप लोग बोर हो जाओगे कि भाई क्या है यार, ये क्या है। तो बार बार डिक्शनरी में देखने के बजाय आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप उसको आप लोग रिव्यू करिए, रिकॉर्ड करिए और रीड करिए। जितना आप रीड करेंगे तो बेटर होगा, जिस चीज में आपको एंजॉयमेंट मिलती है उस चीज को रीड करिए, ठीक है ना। अब जो सीए के बच्चे हैं, जो सीए फाउंडेशन में हैं, देखो उनकी वोकैबुलरी तो काफी स्ट्रांग होगी, अगर जिनकी स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग करने की जरूरत है, जिनकी स्ट्रांग नहीं है वो लिटिल बिट अपनी स्ट्रांग कर ले। बेसिक और आपकी मल्टीपल मीनिंग और सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी आप देख सकते हैं। लिसनिंग वोकैबुलरी देखिए, लिसनिंग वोकैबुलरी क्या होता है, जो आप सुनते हैं, एक गाना चला रहा हूं, अब गाने में देखा होगा एमी में बंटाई के गाने के नीचे ना सबटाइटल्स आते हैं, तो सबटाइटल से भी आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पीकिंग वोकैबुलरी, मैं बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बात करते करते भी वोकैबुलरी बढ़ती है। रीडिंग वोकैबुलरी, हम टिक मार्क कर सकते हैं रीडिंग वोकैबुलरी का, ठीक है। राइटिंग वोकैबुलरी, लिख के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब हम किसी को लेटर वेटर लिख रहे हैं वो हमारी राइटिंग वोकैबुलरी होती है, ठीक है ना। इफेक्टिव वेज टू बिल्ड अ वोकैबुलरी, इफेक्टिव वेज क्या होता है वोकैबुलरी को बिल्ड करने का, ठीक है ना। तो इफेक्टिव वे में क्या होता है हमारे, जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है देख लीजिए, डायग्राम में वही बात बताई मैंने, ठीक है ना। लिसनिंग स्पीकिंग हमारी ओरल के काम आती है, स्पीकिंग राइटिंग एक्सप्रेसिव के काम आती है, रीडिंग राइटिंग रिटर्न के काम आती है, लिसनिंग रीडिंग रिसेप्टिव वोकैबुलरी के काम आती है, ठीक है ना। रिसेप्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है, द वर्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड और लिसन टू बी टर्म्ड एज रिसेप्टिव। जो हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव वोकैबुलरी, क्यों बार बार लिखते हैं और रीड करते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव वेज क्या है, देखो इफेक्टिव वेज कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता वोकैबुलरी का, ये बुकिश लैंग्वेज है, पर मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव वे क्या होता है। जब एक बच्चा और एक स्टूडेंट और एनी पर्सन, दोज हु वांट टू इंक्रीज द वोकैबुलरी, जब तक वो अपने रूटीन में 5-10 वर्ड ऐड नहीं करता रेगुलर बेसिस पे वोकैबुलरी के, और उनको रीड नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता, रिव्यू नहीं करता, तब तक वो अपनी वोकैबुलरी को नहीं बढ़ा सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फर्स्ट ये बात, दूसरी बात कि वो उसी चीज से अपनी वोकैबुलरी बढ़ाए जिसमें उसको इंटरेस्ट है। जैसे मूवी देखना इंटरेस्ट है तो मूवी देख के वोकैबुलरी बढ़ाए, ये नहीं कि फालतू में पेन उठाया, न्यूज़पेपर उठाया, बटन की तरह लिया। अगर जो काम बटन की तरह लोगे ना, उसमें मजा नहीं है काम करने का। काम करने का मजा तभी आता है जब आपको इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही एक ऐसा चीज है कि जब इंसान को पैसों की कदर ना हो के वो अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करता है। जब हमारा काम पैशन होता है तो ना, तब हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी आती है। जब हमारा काम पैशन प्लस एंजॉयमेंट बन जाता है, हमारी हॉबी बन जाता है ना, तो हम उससे काम करने में मजा आता है। तो मेरे हिसाब से इफेक्टिव वेज टू बिल्ड वोकैबुलरी इज ओनली वन थिंग, इट ओनली वन थिंग दैट इज पैशन प्लस एंजॉयमेंट प्लस हॉबी बना लो अपनी रोज के 5-6 वर्ड की। जब मर्जी फोन में टाइप करके व्हाट्सएप में किसी फ्रेंड को भेज दो, यूं लर्न हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी। मैं चैलेंज देता हूं कि 30 डेज के अंदर आपकी 150-200 वर्ड की वोकैबुलरी ढंग से हो जाएगी। अगर मान लो आप एक दिन के 5 वर्ड लिखते हो, अगर 65 दिन छुट्टी भी करते हो, 300 दिन के हिसाब से काम करते हो, 300 × 5 वोकैबुलरी दैट इज 1500, एक साल में 1500 वर्ड। 1500 वर्ड बहुत होते हैं भाई बहनों, 1500 वर्ड बहुत होते हैं। अगर आपके एक साल में 1500 वर्ड बढ़ रहे हैं, इट मींस कि आपका काम क्या हो रहा है, आप अपनी वोकैबुलरी बहुत एक अलग लेवल में लेके
लेके जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इफेक्टिव वे ऑफ का मतलब एक ही जो मैंने बताया वही होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि आगे हमारा सिनोनिम्स आएगा और एंटोनिम्स आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तब तक एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना हो सके स्प्रेड करिए। जो मेरा वोकैबुलरी का पार्ट टू आएगा उसमें मैं आपको कुछ 50 से 100 वर्ड्स के बीच में कुछ मेरे जो नॉलेज में वोकैबुलरी में उसको आपके साथ शेयर करूंगा उसके मतलब, और तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप एक काम करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।